मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज मैं कर रही हूँ व्लॉग। कितने दिन के बाद, आई थिंक एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया, कोई वीडियोस जा रहे थे बट व्लॉगिंग वाले वीडियोस नहीं जा रहे थे। सो फाइनली आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। एंड इतने दिन इतना ज़्यादा हैक्टिक रहना कि यार व्लॉग मतलब चाह के भी मैं उठा ही नहीं पाती थी कैमरा व्लॉगिंग के लिए। और आपको पता है लास्ट व्लॉग था, हम लोग अलीगढ़ गए थे, तो हम लोग पहले राउंड जो हमारा अलीगढ़ का लगा था वो लगा था लास्ट टू लास्ट वीक। फ्राइडे को गए, सैटरडे को गए थे, मंडे को ट्यूसडे मॉर्निंग में आए थे। उसके बाद जब ट्यूसडे मॉर्निंग में आ गए यहाँ पे, तब मेरा व्लॉग अपलोड होना स्टार्ट हुए थे वहाँ से, जब मैं अलीगढ़ से आ चुकी थी। उसके बाद देन उसके बाद ट्यूसडे को आए थे, फ्राइडे को हम लोग फिर निकल गए अलीगढ़, तो वो वाला व्लॉग आपके पास गया था। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना मेरा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पहुँचे घर पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं व्लॉग शूट करूँ, तो बस घर पे ही थे नॉर्मली सब लोग, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। हम लोग फिर आ गए थे संडे की इवनिंग में, इवनिंग में नहीं आफ्टरनून में निकल गए थे, हाँ इवनिंग तक ही आए थे, 4 बजे तक 5 बजे तक ही आए थे। सो ये हुआ संडे में। संडे के बाद फिर क्लीनिंग व्लीनिंग ये वो, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था क्योंकि क्लीनिंग व्लीनिंग करी पूरी प्रॉपर। एंड अभी मैं थोड़ा सा वो थी कि यार मुझे ना कुछ घर का मेकओवर करना है, तो बस इसलिए थोड़ा सा बिजी थी। एंड सबसे बड़ी जो खुशखबरी है हमारे लिए ये है कि हमारी जो एग्रीमेंट है वो अगेन बढ़ चुका है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और अभी तक तो आपको पता है मैं नॉर्मली रहती थी, मतलब मुझे लगता था कि यार ठीक है चलो अभी जाना ही है यहाँ से, अभी लग रहा है कि यार रहना है तो कुछ मेकओवर किया जाए, कुछ डिफरेंट लुक दिया जाए। एंड अभी ना पूरे का पूरा टाइम आपका घर पर ही बीत रहा है, तो कुछ मेकओवर अगर रहेगा ना तो इंटरेस्टिंग लगेगा चीज़ों में। तो बस हम लोग कुछ मेकओवर देने वाले हैं। कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कुछ लोकल मार्केट से परचेज किया है, कुछ DIY करने वाली हूँ। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं, बट थोड़े से टाइम के बाद। अभी तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, आज है सैटरडे। सो अभी तो यूपी में लॉकडाउन चल रहा है, सैटरडे संडे मंडे मॉर्निंग में ओपन होगा, तो अभी तो कोई बाहर नहीं जाना। एंड आई थिंक ये कोरियर भी नहीं आ पाएंगे मेरे, अभी कुछ जो कोरियर्स आने हैं। और किचन के व्लॉग के लिए मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने कहा किचन का टूर चाहिए, तो किचन में मैंने कुछ नया लिया है क्योंकि मेरे किचन में ना जगह नहीं थी डिब्बे रखने की, तो मैंने कुछ नया लिया है इंटरेस्टिंग, सो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वरुण बना रहे हैं चाय, मैं चाय पीऊंगी, पहले फेस वॉश कर लेते हैं, फिर चाय के लिए तैयार हो जाते हैं, चाय के साथ ही मिलते हैं डायरेक्टली। चलो मैं आपको एक बार किचन और दिखा देती हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ किचन का। सो मैंने ना ये वाली जो शेल्फ टाइप है ना ये परचेज की है, एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कंपार्टमेंट्स हैं। एंड ये स्टील टाइप जो आपने देखा ना शूरेक्स होती हैं जो खुली वाली, उसी टाइप की है ये, देखो इस तरीके की है, बट ये बहुत सही है। और ये ना फ्रिज की और इस वाले हमारी जो स्लैप है इसके बीच में आ गई है। एंड साइज वाइज आप देख लो कितना सारा मेरा सामान आ गया, ये सारे मेरे डिब्बे पुराने हैं जो ऑलरेडी इस वाले ड्रॉर में रखे हुए थे, बट यूज में नहीं आ पाते थे क्योंकि निकालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते थे। तो ये सारे डब्बे मैंने वॉश किए एक दिन एंड सारे फिर रिफिल किए, और इसका टूर बहुत जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर ना देखो जैसे कि कुछ पैकेट्स वाला सामान है वो आ गया है, एंड यहाँ पे सारे डिब्बे आ गए हैं, ये भी सारे डिब्बे आ गए हैं, इसमें भी सारे डिब्बे आ गए हैं, इसमें कुछ जैसे नाश्ता जो पैक्ड रहता है ना वो सब मैंने रख दिया है। यहाँ पे कुछ जैसे कि टोस्टर, सैंडविच मेकर, एंड अगेन नीचे पूरा मंचिंग टाइप जो होता है वो रख दिया है। सो ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे किचन में, तो इस तरीके से ना ये ऑर्गेनाइज भी हो गई, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं ले रही है कोई पर्टिकुलर सी। वो वाली जो स्पेस थी वो वैसे भी किसी काम की नहीं थी क्योंकि कुकिंग ऑब्वियसली मैं यहाँ खड़े हुए करती हूँ, और वो बहुत सही जगह ना एकदम फिट हो गई है, तो मैं साइज की लेकर आई थी नाप के, तो बस ये यहाँ पे रख गई है। और यहाँ बन रही है, क्या बन रही है, गरम गरम टेस्टी टेस्टी चाय चाय चाय। और ये वरुण ने देखो ये वाली जो ट्रे में लेकर आई थी, वरुण ने नाश्ता लगा लिया, नमकीन रस फैन एंड ये चाय छनने के लिए तैयार है। सो बस ये है मेरा किचन का, अभी पूरा टूर आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, बट अभी काफी ऑर्गेनाइज लग रहा है, तो ये आपके लिए एक नया चेंज था, ठीक है। बाकी फ्रिज तो यहाँ पे रखा ही हुआ है, चलो अभी चलते हैं हम। तो बस आपको ना बहुत सारे चेंजिंग वाले वीडियोस मिलने वाले हैं, मैं बहुत सारे DIYs करने वाली हूँ एंड बहुत सारा मेकओवर करने वाली हूँ। बेड को मैं अगेन उस रूम में शिफ्ट करने वाली हूँ एंड वहाँ पे पूरा बहुत अच्छा वाला मेकओवर करने वाली हूँ। मैंने बहुत अच्छी ना लाइट्स, राइस लाइट्स एंड बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स ऑर्डर कर दी हैं, आ चुकी हैं। एंड कुछ DIYs भी मिलने वाले हैं बहुत अच्छे वाले, तो बस वही सब स्टार्ट होने वाला है। आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। अभी तो पूरा एक हफ्ता ना मेरा इस तरीके से चला गया, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चार चीज़ें चल रही थी दिमाग में,
और अभी मैंने शेयर की थी आपके साथ इंगेजमेंट की वीडियो, आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोग फंक्शन में हैं, तो मैंने पता सो ओवर वॉइस नहीं किया था इसी वजह से। एंड मैंने उसे ज़्यादा कट भी नहीं किया, मतलब वैसे तो 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने उसे हाफ आवर का किया, बट जो मेन चीज़ ना वो मैंने सारी रखी है, और म्यूट अगर मैं उसे कर देती ना तो मज़ा नहीं आता है। तो बस आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं शादी की वीडियो के लिए, तो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी शादी की वीडियो, संगीत की वीडियो, रिसेप्शन की वीडियो, सारी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आने वाली हैं। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस यही टाइम चाहिए थोड़ा सा एडिटिंग के लिए। और कल हम लोगों ने किया था मैंगो ईटिंग चैलेंज, वो भी आपको बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको इस टाइप के और चैलेंजेस चाहिए कोई, तो प्लीज़ कमेंट करना मेरे वीडियो के नीचे। एंड यार लाइक कर दिया करो वीडियो को अच्छे लग रहे हैं तो। बाकी तो इस बार मैंने आपको पूरा इस मंथ का स्टफ बिल्कुल डिफरेंट गया है, कुछ आपको नई नई चीज़ें मिलती रही हैं, अलीगढ़ के ट्रिप्स मिलते रहे हैं, ये रहे, बट अभी मेरे लिए बहुत एक्टिव हो गया था, अभी जाके मैं रिलैक्स हुई, तो मेरा एक हफ्ते कोई व्लॉग शेयर नहीं हो पाया इस वजह से, बट वीडियो सब बस जा ही रहे थे। तो अभी फाइनली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है एंड मेक ओवर करना स्टार्ट करेंगे। आज तो लॉकडाउन है, कल रात में पता है दूध नहीं था, मैं दूध देने गई हूँ रात में 9:15 बजे, तो टेट्रा पैक मिला था तो मैं 2 टेट्रा पैक ले आई। बस यही चल रहा है अभी लाइफ में, चाय पीते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। तो चाय नाश्ता मैंने कर लिया है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली चीज़, मतलब एक गिफ्ट है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है अभी तक का, मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है। क्योंकि वो गिफ्ट ही नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग है, एक मेरी पहचान है और उससे ना मेरी बहुत सारी चीज़ अटैच है। तो वो क्या है वो तो आपको पता चलेगा अभी, वेट वेट वेट। एंड वो मुझे किसने दिया है, वो मुझे दिया है मेहुल ने, तो वो है डेंटेड। सो ये देखो पहले क्या लिखा हुआ है, VARUDIK वरुदिका। तो मेहुल ने मुझे ये गिफ्ट किया है और उसने मेरे लिए ऑनलाइन मंगवाया है ये फ्लिपकार्ट से, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये मेरे लिए बनवाया था उसने जब मेरे 25K सब्सक्राइबर्स हुए थे, बट हम लोग अलीगढ़ जा ही नहीं पाए, वो भी यहाँ पर नहीं आ पाया था। तो अभी जब मैं गई थी ना उसने मुझे गिफ्ट किया, एंड आप देख लो कितना प्यारा ये लिखा हुआ है, कितना प्यारा बना हुआ है। इसमें मेरे कुछ फोटोज़ हैं, हम दोनों की मेमोरीज़ है, तो मैं फोटोज़ भी शेयर करती हूँ। ये हमारा फोटो है जब हम लोग चंडीगढ़ घूमने गए थे, एंड ये वाला हमारा पिक है जब हम लोग कहाँ गए थे वरुण, ये कहाँ का फोटो है हमारा, बारबेक्यू नेशन का है ये वाला पिक हमारा, ये चंडीगढ़ का है, ये हमारी इंगेजमेंट का पिक है। एंड ये वाला एक शादी का पिक है जो एक वरुण की कजन सिस्टर की शादी थी। एंड ये वाला पिक हमारी फर्स्ट मीटिंग का है जब हम पहली बार मिले थे, पहली बार एक्चुअली में नहीं मतलब पहली बार अकेले मिले थे, तो ये तब का फोटो है। एंड ये वाला पिक अभी रिसेंट जो वरुण की कजिन की शादी थी वहाँ का है। एंड ये वाला पिक है मेरी मौसी की एनिवर्सरी थी वहाँ का फोटो है, एंड वो व्लॉग मैंने पूरा शेयर किया था आप लोग के साथ। और ये वाला पिक हमारा आगरा का है। सो ये सारे फोटोज है जो हमारी हर फोटो के साथ ना एक मेमोरी है, सारे फोटो मेमोरेबल हैं बहुत ज़्यादा। सो ये उसने बनवाया है, आप देख रहे हो कितना अच्छे से बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये वुडन पर बना हुआ है एंड बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, देखो कितना पतला सा है, इस तरीके से पीछे से हैंग करने का आपको मिल रहा है इसमें। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है इसकी क्या है, ये जो फोटोज है ना ये लैमिनेटेड फोटो नहीं है, ये ना एक पेपर शीट पे बने हुए हैं, हैवी पेपर शीट, ये देखो इस तरीके से हैवी पेपर शीट पे बने हैं। तो आप चाहो तो इन फोटोज को चेंज भी कर सकते हो। तो प्लीज आप मुझे बताना आपको ये वाला मेरा गिफ्ट कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वरुदिका मतलब वो है जो आप लोग मुझे जानते हो, बहुत सारे लोगों को मेरा नेम भी नहीं पता है, अब मुझे कॉमेंट्स भी आते हैं कि हमें तो आपका नाम आज पता चला है, सबको लगता है मेरा नाम वरुदिका है, तो मेरा नाम वेदिका है एंड वरुदिका मेरे चैनल का नाम है, क्योंकि वरुण और वेदिका के व्लॉग्स मिलते हैं आपको इस चैनल पे, हमारी डेली लाइफ मिलती है, सो इस चैनल का नाम है वरुदिका, वरुण और वेदिका से मिलके बना हुआ है। तो ये मेरी ना एक पहचान है, मुझे लोग इस नाम से जानते हैं, बहुत लोग मुझे वरुदिका ही बोलते हैं। तो ये मुझे गिफ्ट दिया मेहुल ने और आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट 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 गिफ्ट है। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला गिफ्ट मेरा, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैं हैंग करूँगी, अभी कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ रही हूँ इसे हैंग करने के लिए, अच्छी सी जगह, और हमारे फोटोज़ हैं इसमें और क्लियरिटी देख लो आप, मतलब कटपट नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी है। सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पर कुछ भी नेम लिखवा सकते हो एंड कितने भी फोटोज़ आप दे सकते हो। उसके पास ना मेरे मतलब मेन मेन यही फोटोज थे जो क्लियरिटी वाले थे, तो उसने यही सारे फोटोज दे दिए, 1 2 3 4 5 6
एट फुट होता है, फिर बहुत ज्यादा ना हॉच पॉच भी लगती है, तो 8 फुट तो उसमें बहुत वेल एंड गुड लग रहा है, फिनिशिंग वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड थोड़ा सा ना फोटोज इसके निकल रहे, देखो यहाँ से, तो इसे मैं पेस्ट कर दूंगी ग्लू गन से, और देखो ये वाला हल्का सा निकल रहा है, इन सबको ना मैं ग्लू गन से पेस्ट कर दूंगी, और फिर इसे अपना कहीं पे बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसमें लिखा आएगा वरुदिका। मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये बहुत ज्यादा। सो एक तो ये अच्छी बात है, एंड दूसरी गुड न्यूज ये है कि मैंने आपको बताया हमारा जो एग्रीमेंट है वो बढ़ चुका है, तो इस टाइम पे वो भी बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि कहीं घर ढूंढना, देखना, जाना बहुत ही वो था, टेंशन वाला काम था, फिर पैकिंग अनपैकिंग ये वो। अभी सेटल है तो एक बहुत मतलब शांति मिलती है कि यार इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं जाना ना बहुत रिस्की है, तो हमारा एग्रीमेंट बढ़ चुका है यहाँ के लिए, तो हमें कहीं घर ढूंढने नहीं जाना है, तो इसका मैं मेकओवर करूंगी घर का। बहुत सारा सामान हम लोगों ने मंगवा लिया है, एंड बेडरूम शिफ्ट होने वाला है वहीं पे, किचन का थोड़ा सा लुक मैंने आपको दिखाई दिया है, एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं डेली बहुत सारे पिक्स डालती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अमेजोन का मेरा पूरा हॉल है जो मैंने सामान मंगाया है, तो वो पूरा हॉल वीडियो शेयर करूंगी, और बाकी DIY का लिए सामान मुझे चाहिए तो वो मैं जाऊंगी मंडे को लेने के लिए, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना मेरा प्लान था आपको सैटरडे को सामान लेके आने का, कुछ मुझे फोटोज निकलवाने हैं, वो सारा प्लान था, बट कोई बात नहीं, उसे लेंगे ना मंडे को, करेंगे उस काम को। चलो यही व्लॉग था मेरा छोटा सा, अभी मैं जा रही हूँ ऑयलिंग करने, ऑयलिंग कर लूँ एंड फिर व्लॉग खत्म करती हूँ, और फिर मैं स्टार्ट करूंगी एक नया व्लॉग, क्योंकि लंच बनाने वाली हूँ मैं। लंच में आज हम बनाएंगे आलू प्याज पनीर के पराठे, जो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलेंगे, इसको खत्म करके मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। ऑयलिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि मेरे को हेयर वॉश भी करना है आज। सो हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ओरिजिन्स का कलौंजी ऑयल, जो बिल्कुल नेचुरल है, हेल्दी है आपके हेयर्स के लिए। आपको पता है ना कलौंजी कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, तो बस बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं हेयर में क्या क्या यूज़ करती रहती हूँ, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं सारी चीज़ जो यूज़ करती हूँ ना वो मतलब केमिकल फ्री यूज़ करना पसंद करती हूँ, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो कंडीशनर हो, या फिर कुछ भी हो। और मेन चीज़ें यही होती है, आप छोटे छोटे केयर्स करते रहो ना अपने बालों की तो अच्छे रहते हैं। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की प्लास्टिक की बॉटल में आती है, काफ़ी हैवी अच्छे प्लास्टिक है, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये बालों के लिए बहुत सही रहता है। कलौंजी ऑयल ले लो, मतलब जो भी चीज़ आप यूज़ करो सारी नेचुरल करो। मैंने बहुत सारे ओरिजिन्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड मैं करती हूँ रेगुलरली, मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड सूट भी करते हैं, सो आप परचेज कर सकते हो एक बार। चलो बस हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं, एंड हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी दूसरा, क्योंकि मैं बनाने जाऊंगी लंच, एंड लंच में क्या बनाऊंगी मैं वो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। यार पता है जब भी आप हेयर वॉश किया करो ना ऑयल जरूर अप्लाई किया करो, चाहे कोई सा भी अप्लाई करो, बिना ऑयल अप्लाई किया आप शैम्पू यूज करते हो ना तो बालों के लिए हार्ड रहता है, थोड़ा सा ऑयलिंग जरूर से किया करो, चाहे कोई भी आप ऑयल यूज करो, एंड ट्राई करो जितने भी प्रोडक्ट यूज करो बालों में स्किन में सब नेचुरल हो, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो आपको खुद ही रिजल्ट अच्छा दिखेगा अपने बालों का और स्किन का, किसी भी चीज का, क्योंकि हाँ। और सबसे बड़ी बात है आपकी डाइट भी वो करती है, मैटर करती है, आप डाइट क्या ले रहे हो, ये सब चीज़ें ना डाइट की भी बहुत वो होती हैं, एक्सटर्नल केयर होती है अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए होती है। डाइट ले रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन्स ले रहे हो, दाल वाल प्रॉपर खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, ग्रीन वेजीज खाया करो, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वो चीज़ प्रॉपरली लिया करो, बाकी तो फिर ये पता है आप रेगुलरली कुछ चीज़ें करोगे ना तो बहुत मैटर करेगा। आप 1 महीना प्रॉपर डाइट लेके देखो एंड प्रॉपर केयर करो, स्किन केयर हेयर केयर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ, ऐसा क्या करती हूँ, तो मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ हमारा सर, बस मैं ये चीज़ रखती हूँ कि जब भी मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं शैम्पू जरूर करूँ, मतलब ऑयलिंग जरूर करूँ शैम्पू से पहले, एंड नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँ जितनी यूज़ कर सकती हूँ, सब नेचुरल करूँ, अच्छे से मसाज करूँ हेयर्स की, अपना है ना अपना ब्लड सर्कुलेशन हेयर का, तो आप उसे प्रॉपरली मसाज करो, जितना आप मसाज करोगे ना, मैं सोने से पहले 10 मिनट मसाज जरूर करती हूँ अपने बालों में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे आपके बालों का। सो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, एंड मैं अभी और ज़्यादा मालिश करने वाली हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड इस वाले ऑयल का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड 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 मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।